खबर विदिशा से है, जहां द्वारिकापुरी कॉलोनी में पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति अपने हाथ दोनों हाथों में तलवार लिए नजर आया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते भी साफ नजर आ रहे हैं। इस संबंध में जिले के सीएसपी अतुल सिंह का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक वीडियो मिला है, जिसमें कुछ लोग तलवार चलाते नजर आ रहे हैं। यह मामला विदिशा के सिविल लाइन थाने का है, जिसे संज्ञान में लिया गया है। जांच के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो सिविल लाइन क्षेत्र का है। टीआईजी सिविल लाइन को मेरे द्वारा वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है और उनको बता भी दिया है, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक उसकी भी कार्रवाई की जाए।